हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें क्या दे रखा है, इस फार्मूले से हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो R का मान हमें दे नहीं रखा, R की जगह पर क्या दे रखा है, इसने व्यास दे रखा है। तो व्यास इसने दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो 16/2 करेंगे तो त्रिज्या हमारे पास क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे 1/3 गुणा में पाई गुणा में आर स्क्वायर, यानी कि आर का मान है हमारे पास 8 गुणा में 8 और एच कितनी दे रखी है इसने, 6 सेंटीमीटर। तो इसको कट करेंगे 3 × 6 तो 8 × 8 = 64, 64 × 128। तो इसका आयतन क्या आ गया दोस्तों, 128 पाई। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 28 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।